नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपके सामने आपका चिर परिचित सदाबहार। भारत में मैक्सिमम स्थानों पर पाया जाता है और पूरे साल हरा रहता है और साल से साल इस पर फूल आते हैं। इसमें ये पिंक वैरायटी है, दूसरा ये वाइट है। ये दोनों देसी वैरायटियाँ हैं और इन दोनों वैरायटियों में बहुत ही औषधीय गुण हैं और इनको उगाना भी बहुत आसान है। इनके साइड में पत्तियों के साथ साथ इसके ये बीज लगे हुए हैं। इन बीजों को जब ये पक जाते हैं, इनको तोड़कर और मिट्टी में फैला दो या गमले में डाल दो तो ये बहुत इजीली उग जाते हैं और बहुत प्यारा प्लांट है। और किस किस तरीके से हम इस प्लांट से, इसकी पत्तियों से और इसके फूलों से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके जो ये पिंक फूल हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर है। देखो आप कितना ज़बरदस्त है और पूरे साल हरा रहता है। देखो अच्छा तो लगता ही है और इसके पास बैठते हैं तो मन भी खुश होता है। और इसको, इसकी पत्तियों को और इसके फूलों को इस्तेमाल करके हम शुगर के लिए तो ये रामबाण है। शुगर को तो ये समझो कि बहुत बड़ा दुश्मन है ये। इसको इस्तेमाल करके हम शुगर को भगा सकते हैं और अन्य कई ऐसी डिजीज हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करके इस प्लांट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल नर्सरी में काफ़ी वैरायटी आ रही हैं, लेकिन वो वैरायटी क्या है कि बनाई गई हैं, लेकिन ये जो तो हमारी देसी वैरायटी हैं इनमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है, हमें इन्हीं प्लांट के फूलों का और पत्तों का प्रयोग करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरा ये है कि इसकी ये जड़ है, ये 10-12 दिन पहले एक प्लांट बेकार हो गया था तो उसकी जड़ मैंने रख ली थी। तो इसकी जड़ का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी जड़ से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं बताता हूँ इसका किस किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। करना क्या है कि दोस्तों, इसके हमें 4 या 5 पत्ते लेने और उनको चबाकर सुबह खाली पेट निकलना है। इसका स्वाद थोड़ा पत्तों का बकबका होता है। अगर आप पत्ते नहीं चबाना चाहते तो इसके आप 5 या 6 फूल ले सकते हैं, चाहे वो आपके पास पिंक हो या वाइट हो, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उनको भी ऐसे सुबह खाली पेट चबाना है और पानी के साथ निगलना है। शुगर का तो आप ये समझो कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है, शुगर के लिए तो ये रामबाण है। और इसकी जड़ का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसकी जड़ का करीब 1.5 इंच के आसपास का टुकड़ा लें और उसको सुबह पानी में 1 गिलास पानी में उबालें। जब वो आधा रह जाए तो उसको ठंडा होने के बाद लें। तो ये शुगर को तो ये ख़त्म करता ही है और थोड़ा मोटापे को भी कम करने में ये काफ़ी लाभदायक होता है। अगर आपको इसके पत्ते और फूल मिल नहीं पा रहे हैं या ये प्लांट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार से आप इसका चूर्ण ला सकते हैं। बाज़ार में चूर्ण इसका मिल जाता है सदाबहार का। तो 1 चम्मच सुबह खाली पेट चूर्ण लेना है, पानी के साथ सुबह के टाइम लेना है। तो ये शुगर में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगा आपको और 10-12 दिन में आपको इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और शुगर का तो के लिए तो ये रामबाण है ही। इसके साथ साथ ये जो हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उनमें भी काफ़ी मददगार होता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। एक बार अवश्य प्रयोग करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।